हेलो दोस्तों, वेलकम टू नर्जिस किचन। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। आज का हमारा रेसिपी है सिंपल एंड टेस्टी चिकन करी। चलिए बनाना शुरू करें। यहाँ पे ऑयल को गरम कर लिया है, उसके अंदर कटे हुए प्याज और कटी हुई हरी मिर्च को डाल दिया है। इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे। अब जो है हमारे चिकन को उसके अंदर डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सी हल्दी पाउडर को इसमें ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट को भी ऐड कर लिया है। अब अच्छे से मिक्स कर लेना। थोड़ा फ्राई करने के बाद जो है इसे ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। इसके अंदर जो है हम लाल मिर्च पाउडर को ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है। 5 मिनट और फ्राई करेंगे इसको इस तरीके से। देखिए इस सब प्रोसेस जो है धीमी आँच पे करना है। अब हम इसमें जो है पानी को ऐड करेंगे। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। देखिए हमारा प्रोसेस जो है 15 या फिर 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। अब इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। अब चेक करेंगे कि चिकन गल चुका है कि नहीं गल चुका है। हमारा चिकन यहाँ पे गल चुका है। थोड़ी देर के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमें जितना ग्रेवी चाहिए उतना देर तक इसे पकने देना है। अब हम इसमें चिकन मसाले को ऐड कर रहे हैं। मैंने यहाँ बहुत कम चिकन मसाले को यूज़ किया है। इसे 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम में रख के अच्छे से पका लेना है। अब जो है हमने धनिया पत्ते को इस पे डाल दिया है। रेडी हो चुका है हमारा चिकन करी। अब इसे सर्व करेंगे हम। चिकन करी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है रसम। अब हम इसे रसम के साथ सर्व करेंगे, गरम गरम खाने के साथ। देखिए चिकन करी और रसम और राइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।